Hey, what's up guys, this is Varshit back and yet another new morning video. यार बेसिकली होता क्या है, कई बार IIT नीट और एम्स के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यार, फला फला आपको ऑप्शन दे दिया आउट ऑफ दिस, इसमें से कौन सा ऑक्साइड हो रहा है, कौन सा सल्फेट हो रहा है, कौन सा कार्बोनेट हो रहा है, आपको चूज़ करना पड़ता है। और यार एक तो होते नहीं है ये सब, और काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, और लर्न करने में काफ़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है, और जल्दी लर्न करने के बाद भी काफ़ी बार भूल जाता है। तो आप इसको एक ट्रिक से लर्न कर सकते हो, आप इसको निमोनिक से लर्न करोगे तो आप ईजिली पकड़ लोगे किसी भी चीज़ को, और ईजिली आप इसे गेस कर सकते हो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है यार ऑक्साइड ओर। ठीक है, ऑक्साइड ओर पे हमने निमोनिक्स बनाई है, जरा इसे देखिएगा। जिंक भाव हेमा कैसेट मांगे, इट मींस ये भाव, भाव मींस ब्रदर। ठीक है, इट्स आई थिंक बंगाली लैंग्वेज, आई डोंट नो अबाउट बंगाली, आई एम फ्रॉम यूपी यू नो। तो भाव जिंक, मतलब भाव का नाम जिंक है, तो जिंक भाव हेमा। तो ठीक है, जो जिंक भाव हैं वो हेमा से कैसेट मांग रहे हैं, इट इसका मीन्स। तो सारे क्या डिनोट कर रहे हैं, जरा आप इसके नीचे देख सकते हैं कि जिंक फॉर जिनसाइट, जिन से आप गो थ्रू होते हो जिनसाइट से, भाव भाव मतलब बॉक्साइड, ये ऑक्साइड्स हो रहे हैं, सारे ऑक्साइड्स हो रहे हैं। और हेमा, हेमा फॉर हेमाटाइट से गो थ्रू होते हो, कैसेट, कैसेट से कैसेट राइट होता है, और या फिर इसको टिन स्टोन भी बोलते हैं। रुकिए, आपको एक बार इसे गो थ्रू होते हैं, इसके फॉर्मूला होता है SnO2। ठीक है, कैसेट से कैसेट राइट या फिर टिन स्टोन, और मांगे से मैग्नेटाइट, यू नो वेरी वेल। तो ये सारे ऑक्साइड्स के हो रहे हैं। ठीक है, क्या है, जिंक भाव हेमा कैसेट मांगे, इट मीन्स जिंक, जिंक भाव हैं, भाव है उनका नाम है जिंक, वो हेमा से कैसेट मांग रहे हैं, इट मीन्स कॉम्पैक्ट डिस, यू नो वॉट इज कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस। ये ठीक है, ये हो गया आपका। और बेसिकली उसके आगे कैसे याद करना है, हेमा से कैसेट मांगे, तो कैसेट यार किस चीज़ का मांग रहे हैं, गेम्स का मांग रहे हैं, DVD है, मूवीज़ का मांग रहे हैं, नहीं वो पायरो का कैसेट मांग रहे हैं। पायरो एक जनरली क्या, आप अगर सीज के स्टैंडर्ड तो पायरो की सॉफ्टवेयर आती है, यू नो वेरी वेल। तो उसे CD से कॉम्पैक्ट डिस्क में आप इजिली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली वो पायरो की कैसेट मांग रहे हैं, तो पायरो से आप पायरोलुसाइड, बेसिकली ये निमोनिक्स हो गए आपके ऑक्साइड ओर के। ठीक है, अब आपको निमोनिक्स रिटर्न आती हैं कार्बोनेट ओर का। तो कार्बोनेट ओर का भी निमोनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख लीजिएगा। ये है DM मांगे लाइम का माला। ठीक है, जो DM है, इट मीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो लाइम का माला मांग रहे हैं, लाइम कोई ऐसी लाइम स्टोन, आप मतलब लाइम स्टोन का माला मांग रहे हैं वो। और उसके आगे क्या है, साइड में एजुराइट हो, ऐसा माला मांग रहे हैं, इट मीन्स नेकलेस, यू नो माला, ऐसा माला मांग रहे हैं जिसके साइड में एजुराइट हो। आपको इसको ऐसे एजुराइट हो, मींस एजुराइट जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, मतलब साइड में कुछ ब्लूइश टाइप का कुछ इफेक्ट आए उनके माले में, इसलिए वो साइड से बोल रहे हैं ब्लू हो, एजुराइट हो, एजुराइट ब्लू कलर की होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप इसको। तो DM मांगे लाइम का माला, साइड से एजुराइट हो। तो DM से आप क्या समझोगे, DM से देखिएगा आप, DM फॉर डोलोमाइट, ये आपका डी डिनोट कर रहा है डोलो, और M फॉर माइट। ठीक है, डोलोमाइट, समझ रहे हो ना। डोलोमाइट का फॉर्मूला बेसिकली मैंने लिखा हुआ है MgCO3.CaCO3। तो मांगे, मांगे से मैग्नेसाइट, मांगे से मैग्नेसाइट, लाइम का बताइए लाइम स्टोन। ठीक है, अब देखिएगा लाइम का से कैलामाइन, और का बता दिया कैलामाइन, और माला, माला इट मीन्स मेलाचाइट, मेलाचाइट का फॉर्मूला, यहाँ बेसिकली आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, कन्फ्यूजन हो रही होगी, थोड़ी दिखने में दिक्कत हो गई होगी, तो मैंने बता दिया माला से आप क्या गो थ्रू होंगे, मेलाचाइट से। ठीक है, ये सारे मैं किसके और बता रहा हूँ, कार्बोनेट्स के और बता रहा हूँ सारे, दिस ऑल आर द कार्बोनेट, और सब में CU3 आपको जरूर दिखेगा, आप सब में देख सकते हो CO3, सब में CO3 दिखेगा। और साइड में एजुराइट हो, तो साइड से आप क्या, तो साइडराइट के फॉर्मूला होता है FeCO3 में एजुराइट, एजुराइट का फॉर्मूला देखो यार, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन याद हो जाएगा इजीली, मैंने Part 1 में भी इसको लर्न करने की ट्रिक बताई थी, Part 1 नहीं देखा तो जाओ देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हुए हैं। तो CuCO3 डॉट्स, ठीक है, कार्बोनेट ओर का निमोनिक्स याद कर लिया ना। अब देखिए सल्फाइड ओर, बेसिकली ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है लर्न करने का, सल्फाइड ओर यार बहुत ईजी होता है, इसको लर्न करने के लिए कैसे लर्न करते हैं हमको देखिए आज देखना पड़ेगा। जब भी आपको पाइराइट ग्लैंस गलीना सिनेबार दिखे, ठीक है, तो आप ये चारों जब भी दिखे, तो ये तो ये जैसे एनोलॉगी हैं, गलीना एंड ग्लैंस जब भी दिखे, तो आप समझ जाना
इसमें एस ज़रूर होगा। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये जब भी आप पाइराइट देखना ना, तो पाइराइट में ज़रूर आपको आएगा कि वो पाइराइट में सल्फाइट तो होगा लेकिन उसके साथ आयरन भी जुड़ा होगा। कोई भी कहीं भी पाइराइट आप देख लो तो उसमें आयरन के साथ सल्फर ज़रूर होगा। जैसे कॉपर पाइराइट मैंने देखा है, तो कॉपर पाइराइट का आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे है CuFeS2, इट मींस मैंने बोला ना, जब भी पाइराइट हो तो उसमें आयरन और सल्फर दोनों होंगे, तो कॉपर भी है और पाइराइट भी, मतलब कॉपर आयरन और सल्फर दोनों होंगे। और गैलेंस यार बेसिकली सल्फर को डिनोट ही करता है, आप ऐसे समझ जाओ। तो जब इसको किस केस में यूज़ करेंगे, इसको कॉपर जिंक और सिल्वर के केस में यूज़ करेंगे। जब भी कॉपर ग्लैंस, जिंक ग्लैंस या सिल्वर ग्लैंस हो तो समझ जाना उनके सबके साथ ये सल्फर ज़रूर ऐड होगा। जैसे कॉपर ग्लैंस का Cu2S, ZnS और AgS, ठीक है। अब बात आती है गैलिना की। गैलिना आप समझ जाना PbS और सिनेबार HgS, ठीक है। ये यार इसे दो मिनट में लर्न हो जाता है यार, ये सब इसके लिए कोई निमोनिक्स बनाने की यूज़ नहीं है, मुझे नहीं लगा उतना यूज़, इसलिए मैंने नहीं बनाया। बेसिकली इसके लिए आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।